दोस्तों गिरी ट्यूटोरियल के इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक स्पेशल सा वीडियो लेकर आया हूं कारक के ऊपर। आपको बहुत ही कंफ्यूजन होता होगा इस टॉपिक के अंदर, बट टेंशन मत लो, मैं पूरे ट्रिक के साथ आपको पूरा का पूरा आपका कंफ्यूजन दूर कर दूंगा और आपको पूरे के पूरे मार्क्स इस टॉपिक में मिलेंगे। दोस्तों सबसे पहले आपको ये टेबल याद करना है। टेबल याद कराने की जिम्मेदारी मेरी है। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपदान से संबंध काकी के अधिकरण में पर संबोधन हे ओ अरे। कर्ता ने कर्म को ऐसे याद करो, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपदान से संबंध काकी के, संबंध काकी के अधिकरण में पर संबोधन हे ओ अरे। इसको दो तीन बार आप बोलो, याद हो जाएगा आपको। अब ये पूरा का पूरा याद हो गया तो ऐसे वर्ड्स जहां पे जो दिखा है, जहां पे को दिखा है वहां पे डायरेक्ट आप लिख दो कर्म, कर्म कारक। यहां पे ऐसे वर्ड दिखाई दिए जहां पे नहीं वहां पे कर्ता कारक, यहां पे से दिखाई दिया करण कारक। बट एक कंफ्यूजन है, से दो जगह पे है, तो यहां पे मैं आपको बता दूं कि जहां पे से हो बट कोई से में अलग होने, जैसे सेपरेशन का अगर दिखाई दे उस स्टेटमेंट में, जैसे कि राजू घर से बाहर निकल गया, घर से बाहर निकल गया मतलब वो सेपरेट हो रहा है, अगर वहां पे सेपरेट होने के बारे में बात हो रही है तो वो हमेशा अपादान कारक है। समझ में आया कि नहीं? सेपरेट होना कि रामू घर से बाहर निकल गया, तो मतलब घर से बाहर निकला मतलब सेपरेट हो रहा है, इसलिए मैंने यहां पे लिखा अलग होने के अर्थ में। अब देखो यहां पे ये कुछ एग्जांपल्स मैंने आपके बोर्ड एग्जाम बोर्ड में आ चुके हैं, वैसे एग्जांपल्स लिए हैं पर्यटन में, ये 2020 के पेपर में आया था। तो यहां पे आपको देखो पर्यटन में मिल गया आपको। अब जस्ट आप याद करो आपका कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपदान से संबंध काकी के अधिकरण में, अधिकरण आया ना में, तो देखो यहां पे देख लो अधिकरण में है, तो यहां पे कौन सा कारक आएगा, अधिकरण, अधिकरण कारक। आई थिंक आपको समझ में आ गया है। देखो चाची अपने कमरे से, कमरे से तो मिल गया आपने को, क्या आया आंसर, कमरे, कमरे से। अब ये कंफ्यूजन है कि ये से कौन सा है, चाची अपने कमरे से निकल रही है मतलब वो अलग हो रही है, अलग होने के अर्थ में क्या आता है, अपादान कारक। कौन सा कारक आएगा, अपादान कारक। अब दोस्तों इस तरह से तो आपको क्वेश्चन आएंगे, कभी कभी ये भी होगा कि जैसे यहां पे ने को से ये सब ना हो, नारी महान है। अब आपको पता होना चाहिए कर्ता मतलब जो काम करता है, समझ में आएगी, जिसके बारे में बात होती है, तो यहां पे नारी महान है, तो उस टाइम पे याद रखना जो पहला वाला वर्ड है वही आपका क्या, कर्ता कारक है। तो यहां पे नारी भले आपको वहां पे दिया नहीं है ने, तो वहां पे आपको क्या लिखना, नारी इक्वल टू कर्ता कारक। समझ में आया, उम्मीद करता हूं कि पूरा का पूरा टॉपिक आपको समझा होगा। अगर मजा आया होगा तो नीचे बहुत ही मजेदार कमेंट करो, क्योंकि आपके हर एक के कमेंट को मैं रीड करता हूं, जैसे ही फ्री होता हूं रीड करता हूं। आप में से जिसका कमेंट मुझे बहुत अच्छा लगा मैं उसे पिन करूंगा, और दोस्तों इस वीडियो को दोस्तों तक भी शेयर करो। जय हिंद दोस्तों।